ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के सदस्य गांव गांव खेल के प्रति जागरूक करने को मशाल लेकर पहुंचे सहारनपुर। 55 जिलों में मशाल यात्रा निकालने के बाद 4 अगस्त को लखनऊ में होगा समापन। सहारनपुर में भारतीय सेना रिमाउंट ट्रेनिंग डिपो में सेना के अधिकारियों ने टोक्यो ओलंपिक मशाल यात्रा का किया स्वागत। सेना के घुड़सवार दस्ते के साथ बाहर से आए खिलाड़ी मशाल लेकर सिक्कों पर दौड़े। शहर में जगह जगह हुआ स्वागत। आने वाली 4 अगस्त 2021 को राजधानी लखनऊ में मशाल यात्रा का होगा समापन। लक्ष्मण पुरस्कार, राज्य विवेकानंद पुरस्कार विजेता उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के कार्यकारी संघ सदस्य रविकांत मिश्रा ने बताया कि उन्हें इस यात्रा के लिए नॉमिनेट किया गया है, जो खेल जगत फाउंडेशन के माध्यम से पूरे प्रदेश में जा रही है। टोक्यो में इस बार जो ओलंपिक हो रहे हैं उनमें उत्तर प्रदेश से 10 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। हम लोग उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ की ओर से करीब 5 जिलों में यात्रा निकाल कर आ चुके हैं, जो कल बरेली से शुरू हुई थी, और हम लोग गांव गांव में 55 अलग अलग शहरों में इस यात्रा के माध्यम से पहुंचेंगे और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक करेंगे। अगली बार उत्तर प्रदेश से ओलंपिक में कम 100 खिलाड़ियों का चयन होना चाहिए। मनरेगा के तहत गांव में जो खेल के मैदानों के लिए परियोजना आ रही है उसमें 5 से करीब 30 लाख रुपए माननीय प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जी की ओर से खेल मैदान के लिए दिए जा रहे हैं, जिससे कि उनका जो मिशन है कि गांव गांव से ज्यादा खिलाड़ियों का चयन ओलंपिक के लिए होना चाहिए, उसमें हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। हमारी इस यात्रा का समापन 4 अगस्त को लखनऊ में होगा। मैं रविकांत मिश्रा हूं, लक्ष्मण पुरस्कार और राज्य विवेकानंद युवा पुरस्कार विजेता हूं। उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ में कार्यकारी सदस्य के रूप में इस यात्रा के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया है, जो खेल जगत फाउंडेशन के माध्यम से पूरे प्रदेश में जा रही है, और अब हम यहां पहुंचे हैं। हम लोग अभी बरेली से शुरू किया, हम लोगों ने कल उसका भव्य शुभारंभ हुआ, और बरेली से रामपुर पहुंचे, रामपुर से हम लोग मुरादाबाद पहुंचे, मुरादाबाद से बिजनौर पहुंचे, बिजनौर से मुजफ्फरनगर पहुंचे, और मुजफ्फरनगर से हम सीधे सहारनपुर में आदरणीय जो हमारे यहाँ के संजय सर हैं उनके देश है। जो टोक्यो में ओलंपिक्स गेम हो रहे हैं उसका हम लोग उसका प्रमोशन करें, ओलंपिक्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नोन करें। उत्तर प्रदेश में और भी, जैसे इस बार इतना बड़े दल में 10 बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, अगले आने वाले ओलंपिक में कम से कम 100 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से हों, ओलंपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। और मनरेगा के तहत गांव-गांव में जो खेल के मैदान बनाने की सरकार की योजना है, जो लगभग 5 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक के खेल मैदान बन रहे हैं, गांव-गांव में बन रहे हैं, तो गांवों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उत्तर प्रदेश